शहर के लिए जलद गति की रेलवे का स्पॉटेज मिलने हेतु सामाजिक कार्यकर्ता श्याम इड़पवार ने पिछले 4 दिनों से श्रृंखलाबद्ध अनशन उपविभागीय कार्यालय के आगे शुरू कर दिया है। इस अनशन को शहर के कई संगठन संस्था ने समर्थन दिया है। आज जबकि रेलवे बंद है, उस परिप्रेक्ष्य में आपके आंदोलन का क्या औचित्य है? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकसभा में सांसद रामदास तड़स ने भी इसको लेकर सवाल किया है और जब भी रेलवे शुरू होगी तो उसका स्टॉपेज शहर के लिए होना चाहिए। इस हेतु हमारा ये अनशन जारी है। इसकी न्यायिक मांग के लिए अनशन किया जा रहा है। इस अनशन को शहर की अनेक संस्था संगठन का समर्थन मिलने के साथ ही भूतपूर्व विधायक राजू तिमांडे ने भी समर्थन दिया है। इसी दरमियान सांसद रामदास तड़स ने अनशनकर्ता श्याम इड़पवार से चर्चा करके उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया। सांसद द्वारा आश्वासन मिलने पर श्याम इड़पवार ने आज अनशन पीछे लिया है। संबंधित मांग के रहते आज तहसीलदार सोनवनी द्वारा वर्धा जिला खासदार रामदास तड़स इनका पत्र दिया, तब श्रृंखला उपोषण पीछे लिया गया। नमस्कार, माझं नाव श्याम इड़पवार। मी 4 दिवसापासून सत्याग्रह करत होतो, परंतु आज सकाळी माननीय खासदार रामदासजी तड़स साहेब यांनी माझे मित्र सुनील भाऊ डोंगरे यांच्या फोनवर त्यांनी आपल्या फोनवरून कॉल केला आणि खासदार साहेबांनी सांगितलं की मी हाऊसमध्ये आहे बा, परंतु या मागणीला माझासुद्धा पाठिंबा आहे आणि मीसुद्धा पार्लमेंटमध्ये आणि पियुष गोयल साहेब रेल्वे मंत्र्यात बोललेलो आहो, तर आपण मला सहकार्य करावे आणि आपले साखळी उपोषण जे इंग्लंडमध्ये आहे ते मागे घ्यावं अशी विनंती केली त्यांनी आणि मला हे पत्र दिले साहेबांनी। तर त्याच्या विनंतीला मान देऊन आणि सन्माननीय श्री सोनवणे साहेब तहसीलदार हिंगणघाट, नायब तहसीलदार हिंगणघाट यांच्या विनंतीला मान देऊन मी माझे अन्नदा आपल्या सत्याग्रह मागे घेत आहे सर। उपोषणकर्ते श्री अड्या पवार यांच्याकडे घेऊन मी उपोषण आजची सांगतो। हिंगणघाट से रवी नोरकर की रिपोर्ट, BC News नागपूर।